अरे वो ब्रांच तुम्हें अब यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ब्रांच अभी शिफ्ट हो गई गोल मंदिर। अरे वो तो और किसको पता होगा, भतीजे के बिजनेस का सारा प्रॉफिट, अकाउंटिंग, बैंकिंग, ये सब मैं ही तो देखता हूँ। मेरे यही सब काम है, मैं उधर ही जा रहा हूँ। चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप छोड़ देंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि मैं धन्ना बैंक, एक बैंक है, उसकी ब्रांच के बारे में पता करने आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ खुलासे करने हैं कि किसकी साजिश थी एक केस में। तो वही मुझे बैंक नहीं मिलता है, तो मैं हताश हूँ, परेशान हूँ। और वहीं से मेरे जो हिमेश चाचू हैं, मैं उनका हिमेश जी बोलती हूँ, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनसे बात होती है, वो बुलाते हैं मुझे, आवाज़ लगाते हैं, तो मैं भाग के जाती हूँ उनके पास। तो वो बताते हैं कि मुझे पता है कि कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो एक उम्मीद की किरण है कि जिस बैंक में जाकर मुझे पता लगाना है कि क्या है, जो भी मैं पता करना चाहती हूँ, कि वो नोट किसने निकाले थे, कौन है इसके पीछे, कौन नाम खराब करना चाहता है परिवार का, वो सब शायद पता चल जाएगा। अब जब पता चल गया है कि बैंक कहाँ है। यूनि, मुझे क्या लगता है ना कि आज आप मुझे कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए आप इतनी एक्साइटमेंट में ऐसा भी है ना। तुझे कैसे पता चल जाता है? मुझे ऐसे पता चल जाता है कि जब भी आप किसी को सरप्राइज देने वाले होते हो, तो जिसे सरप्राइज मिलने वाला होता है उससे ज्यादा एक्साइटेड आप होते हो। ऐसे पता चल जाता है। तू जा अपने कमरे में, जा मेरी कोई एक चीज रखी है, वो जाके दे। जा जल्दी, जा जल्दी जा। हाँ, दादी के साथ बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा सीन हुआ है, और हमेशा मैं गुस्से में रहता हूँ, नाराज़ रहता हूँ, लोगों से खफा रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा फ़न है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब आपको होता है ना एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कैरेक्टर, तो कया नित्यम, लेकिन फ़न क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में होता है। कोई इंसान कितना भी सीरियस क्यों ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मस्ती, मजाक, हंसी सबको पसंद है। तो दादी के साथ एक तो बहुत टाइम बाद मेरा सीन आया, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन दोनों, तो हम जब भी सीन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो फाइनली मुझे थोड़ा सा प्लेफुल सीन जब भी मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। हाँ दादी, जब बोलती हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे ज़िंदगी में, बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे जैसे हम असल ज़िंदगी में बुढ़ापे की ओर जाते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो बच्चों की तरह हो जाते हैं, तो वो भी बच्चों की तरह बात कर रही हैं, बच्चों की तरह बोलती हैं कि नित्यम तू मुझे टाइम ही नहीं देता, काम में बिजी रहता है। तो मैं भी उनका उनकी मिमिक्री करता हूँ कि ऐसे ऐसे करके, अरे यार मेरी क्यूटी यूडी, आज तुम दादी कैसे बोल रहे हो, वो मुझे नित्यम बोल देती हैं, बिट्टू बोल देती हैं, तो एक फ़न है, वो हमेशा याद आएगा। और मैंने उनसे वादा किया है कि नहीं नहीं मैं आपको टाइम दूंगा और हमेशा दूंगा।